हाय चिल्ड्रन, मैं राजीव राजीव सागर, आपका म्यूजिक टीचर। आज आपको संगीत के बारे में कुछ ज्ञान देना चाह रहा हूं। संगीत, भारतीय संगीत, भारतीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व माना जाता है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। पंडित शारंगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भारतीय संगीत की परिभाषा, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, जिसका अर्थ है गीत वाद्य और नृत्य, वाद्य वादन और नृत्य, तीनों कलाओं के समावेश को संगीत माना गया है। संगीत हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को मार्गी एवं लोक संगीत को देशी संगीत कहा जाता था, जो आजकल शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत के रूप में प्रचलित है। आइए बात करते हैं संगीत में स्वरों की। किसी भी तरह के संगीत, चाहे वह इंडियन संगीत है, वेस्टर्न म्यूजिक है, कोई भी संगीत है, पूरी दुनिया में जितना भी संगीत बनता है वो सिर्फ सात स्वरों पर आधारित होता है। आज उन्हें सात स्वरों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सप्तक, सात स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। वो सात स्वर कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ओके, अब उन सात स्वरों के नाम, भारतीय भाषा के हिसाब से पहले स्वर को हम बोलते हैं षडज, यानी सा। दूसरा स्वर ऋषभ, रानी, रे। तीसरा स्वर गंधार, गा। चौथा स्वर मध्यम, मा। पांचवा स्वर पंचम, पा। छठा स्वर धैवत, धा। और सातवां स्वर निषाद, यानी नी। इस तरह से हमने उसका नामकरण किया गया है। अब आती है बारी सप्तक। सप्तक क्या है? सप्तक इज ऑक्टेव। ऑक्टेव, इसको इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं, हिंदी में सप्तक बोलते हैं। सात सुरों के समूह को सप्तक कहा गया है। ओके, सप्तक वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रयोग में जो आते हैं हमारे, वो तीन सप्तक मेन होते हैं। तीन सप्तक कौन से होते हैं? मन सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मन सप्तक माने लो ऑक्टेव, लो मतलब जो नीची आवाज, भारी आवाज, मोटी आवाज। मध्य सप्तक मिडिल वॉइस, जो आम आदमी हम अपनी बातचीत में बात कर रहे हैं, ये क्या है? मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक का स्वर है। और तार सप्तक मानो ऊंचा स्वर, हाई ऑक्टेव। ओके, तो ये तीन सप्तक ज्यादातर प्रयोग में आते हैं। अब बात आती है स्वरों की। स्वर, सात स्वर शुद्ध स्वर है हमारे पास। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। ओके, इसके अलावा कुछ स्वर हमारे पास और होते हैं, वो होते हैं तीव्र स्वर और कोमल स्वर। तो उनकी संख्या कितनी होती है? तीव्र स्वर एक ही होता है, जो मा का लगता है। ओके, और बाकी चार स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने स्वर हो गए? 12 स्वर। 12 स्वर एक सप्तक में हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न नोटेशन। ये तो था इंडियन म्यूजिक। वेस्टर्न नोटेशन में भी सेम चीज है। सेम चीज यानी हमने वही सात स्वर लिए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बट उनका नाम हमने वेस्टर्न में इंग्लिश में रखा है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से। तो हमने फर्स्ट 7 लेटर अल्फाबेट्स में से ले लिए और उनको हमने उनका नाम दे दिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब हमने ए को सा मान लिया तो बी क्या हो गया? रे। एंड देन गा मा पा धा नी। ओके, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, और ऐसे भी बोल सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ये एक पिच है, ठीक है, एक पिच है हमारी गाने की, स रे गा मा पा धा नी सा। अब ये तो हो गए सात स्वर शुद्ध स्वर वेस्टर्न नोटेशन के। अब इसको वेस्टर्न नोटेशन में बाकी स्वरों को क्या बोलते हैं, जो हमारे पास इधर स्वर हैं? तीव्र स्वर और कोमल स्वर। तो कोमल स्वर को हम वेस्टर्न नोटेशन में बोलेंगे शार्प। ओके, शार्प, एस एच ए आर पी, शार्प। शार्प को हम हैश से दिखाते हैं। ओके, देन
12 नोट्स हम किस सीक्वेंस पर रखेंगे, 12 नोट्स का सीक्वेंस जो बनेगा वेस्टर्न नोटेशन में, देन देखिए ए, ए के बाद ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प एंड ए। तो कुल मिलाकर ये 12 स्वर इंडियन म्यूजिक में भी और वेस्टर्न नोटेशन में भी यही 12 स्वर। ओके, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अभी हम कुछ स्वरों को बजा कर देखते हैं, कैसियो में, हारमोनियम में, कीबोर्ड में। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हैंड पोजिशन एंड फिंगर्स नेम इन म्यूजिक, ये देखना होगा हमें। तो हैंड पोजिशन देखिए, राइट हैंड, राइट हैंड में जो फिंगर्स हैं उनके कुछ नेम हैं म्यूजिक लैंग्वेज में, उनको हम किस तरह से दिखाते हैं। फर्स्ट इज थम, थम को टी। ओके, देन फिंगर आई, फिंगर एम, फिंगर आर, फिंगर पी। तो राइट हैंड की फिंगर्स हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज थम, इंडेक्स फिंगर, आई फॉर इंडेक्स फिंगर, ओके, एम फॉर मिडिल फिंगर, आर फॉर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर इज पिंकी, पी फॉर पिंकी। तो दोस्तों ये है अपना नाम, टी आई एम आर पी, फिंगर्स नेम। अब बात आती है कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, हारमोनियम, कीबोर्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये कीज वाले इंस्ट्रूमेंट है, इनका एक ही रूट होता है बजाने का, उसको हम चाहे वेस्टर्न में बजाएं चाहे इंडियन में बजाएं, सारे गामा पा धा नि सा सीक्वेंस वैसे ही बजेगी जैसे इंडियन में वैसे वेस्टर्न में, जैसे हम हारमोनियम बजाएंगे ऐसे ही कैसियो बजाएंगे, कीबोर्ड ऐसे ही बजेगा। ओके, तो हम फिंगर्स नेम हमें लर्न है, हैंड की पोजिशन हम देखेंगे बजाते वक्त, और मैं आपको बजा के दिखाऊंगा कि कीबोर्ड में हम इसको कैसे बजाते हैं। सो चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं प्लेइंग, प्लेइंग की, कीबोर्ड पे हम ये स्वर कैसे बजाएंगे, इन स्वरों को हमने बजाना है, प्ले करना है, कीबोर्ड हो या हारमोनियम हो सेम प्लेइंग होती है उसकी। ओके, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी माने सा रे गा मा पा धा नि सा। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जब हम स्वर को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। ओके, तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, स्वर ऊपर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे आरोही। ओके, एंड देन रिवर्स, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्वर को लेके, सा नी धा पा मा ग रे सा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको बोलेंगे हिंदी में अवरोही, तो आरोही और अवरोही। ओके, एक्सरसाइज में हमने ये दो चीजें बजानी है। अब मैं आपको इसी चीज को कैसियो पे कीबोर्ड पे बजा के दिखाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से देखना है, फिंगर पोजिशन, फिंगर्स पोजीशन क्या रहेगी, कीबोर्ड पर मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक में बजाने जा रहे हैं हम इसको। ओके, थम, फर्स्ट थम, थम से बजेगा सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, फर्स्ट नोट सा यानी सी, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बजाएंगे हम, सेम फिंगर्स रिवर्स, सा सी नी बी धा ए पा जी मा एफ गा वापिस। सो
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम में उनको बजाया, और आगे हम और सीखेंगे। आज इतना ही, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे फिर मिलेंगे और नया कुछ संगीत का मैं आपको सिखाऊंगा। गुड बाय, गुड डे।